माशाल्लाह तबारक अल्लाह, फाइनली वी आर गोइंग फॉर उमरा। तवाफ कंप्लीट हो चुका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। ये है सफा और मरवा का जो पहाड़ है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू व्लॉग। पहला दिन है मक्का में, ट्रेन स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ। कल का व्लॉग यहीं पे एंड किया था और यहीं से दूसरे व्लॉग की स्टार्टिंग है। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज हम जाने वाले हैं मस्जिद अल हरम एंड वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के उमरा करेंगे इंशाल्लाह। आज ही उमरा कम्प्लीट होगा, अभी आई थिंक 6 बज रहे हैं शाम के। तो तुर्की भाई गए हुए हैं हमाम के लिए गए हुए हैं वो। एंड इसके जब वो जैसे ही आ जाते हैं फिर टैक्सी करके यहाँ से हम अपने होटल जाएंगे। तो चलिए आज के सफ़र को स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए और मैं हर एक शख्स के लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह, ख़ास करके फ़लस्तीन के लिए और मेरे दोस्तों के लिए इंशाल्लाह, और मेरे माँ बाप के लिए और मेरे सारे प्यार करने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए। और आई एम वेरी एक्साइटेड, पहली नज़र काबा की, आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारा भाई तुर्की आ चुका है और अभी हम जाएंगे नीचे। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, हाँ से ये स्ट्रेट टैक्सी स्टेशन है जो प्राइवेट टैक्सीज जाती हैं मक्का को। सो फाइनली वी आर आउट ऑफ द स्टेशन, फाइनली टैक्सी मिल गई। अगर आपको टैक्सी लेनी भी है तो मेक श्योर करो कि उनसे अच्छे से आप सबसे प्राइस पूछो एंड देन उसके बाद टैक्सी लो, बिकॉज़ भाई ने कम से कम 6-7 लोगों से प्राइस पूछा एंड देन उसके बाद उन्होंने टैक्सी की है। चलो लेट्स गो। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, ऑल गुड ब्रदर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये है मक्का। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक जोहर, आसर, मगरिब, ईशा की नमाजें और सुबह को कुरान पढ़ा करो, क्योंकि सुबह के वक्त कुरान का पढ़ना फरिश्तों की हाजिरी का मौका होता है। और बाज हिस्से शब में बेदार हुआ करो और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, ये शब फेजी तुम्हारे लिए एक इजाफी अमल है। उम्मीद है कि अल्लाह तुमको मकाम महमूद पर फाइज फरमाए। देखो गाइस, फाइनली यहाँ से क्लॉक टावर दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे थोड़ा। जबरदस्त, होटल आ गया हमारा, लेफ्ट साइड में क्लॉक टावर है और इधर राइट साइड में। ये हमारा होटल है और सामने ही हरम है माशाल्लाह, अलग ही कैफियत है। मक्का बिजी, यस ब्रदर। तो ये है होटल की लॉबी। चलो भाई लेट्स गो। तो दिस इज द रिसेप्शन माशाल्लाह, दिस इज अवर रिसेप्शन। तो होटल का नाम दरल ईमान है एंड ज़बरदस्त होटल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेमन वाटर, होटल बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है होटल की जो बुकिंग है उसमें, मतलब देखने में, कंफर्म करने में। हमारे तुर्की भाई सामने देख रहे हैं सारी चीज़ें, उनसे अरबी में बात कर रहे हैं एंड जैसे ही वो हो जाएगा होटल रूम में जाएंगे, सामान रखेंगे। थोड़ा वक्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, और जितना ज़्यादा वक्त लग रहा है उतना ज़्यादा मेरी धड़कन बढ़ रही है, घबराहट हो रही है। हेलो जी, फाइनली गोइंग टू आवर रूम। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, देखिए 1316। Let's go. Good. Good. 3-3 beds, brother. Mashallah, tabarakallah.
Qibla. Very busy. Which side? Qibla? Qibla. Qibla, this side? This side. Okay, this side, huh? Yes. Okay, okay. And Wi-Fi? Wi-Fi 13, 13. Passport 13, login 13. 13, 13. Okay, 13, 13. Thank you. Welcome. Alhamdulillah, Alhamdulillah. So guys, finally we are going for Umrah. And वहाँ पे ईशा की नमाज स्टार्ट हो चुकी है, तो इतनी अच्छी बात है कि होटल में भी नमाज की पूरी आवाज़ आती है। बट अभी हम भागेंगे यहाँ से। इसको मस्जिद मस्जिद यस ओके डाउन ये हरम से ओके ओके मस्जिद जा रहे हैं अभी नमाज कंप्लीट करेंगे देन फिर उमरा के लिए जाएंगे ईशा की नमाज कंप्लीट करके لمن حمد يا الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله few minutes later ما شاء الله تبارك الله finally we are going for umrah फुल बिजी बहुत ज़्यादा भीड़ ये राइट साइड में हरम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हम यहाँ तक पहुँचे जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे डर भी लग रहा है धड़कन तेज़ हो रही है माशाल्लाह तबारक अल्लाह खुद से ज़्यादा भीड़ है देवान जहाँ तक देखोगे वहाँ तक सिर्फ आपको हाजी ही नज़र आएंगे हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह सो गाइस दिस इज़ क्लॉक टावर माशाल्लाह तबारकल्लाह और यहीं से मैं आया हूँ मुझे पता ही नहीं मैं क्लॉक टावर से निकला हूँ और पीछे मुड़ के देखा तो वो क्लॉक टावर था वाह ईशा की नमाज के लिए पूरा फुल था ये मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं थी ये खूबसूरती है यहाँ की माशाल्लाह तबारक अल्लाह अल्लाह की कुदरत बस जैसे ही हरम में एंट्री होगी तब कैमरा बंद कर देंगे हम और फिर उसके बाद आपको हमारी इबादत करने के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह सो दिस इज़ द एंट्री एंट्री फ्रॉम طيب الحياة وسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح زاد هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعة الحضر الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنا هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن وهجر فؤاد توكل بجد कंप्लीट हो चुका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है
अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अपने घर पे बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ इज़ डन। और तवाफ़ स्टार्ट कहाँ से होता है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ तवाफ़ के रिलेटेड। जब भी आप तवाफ़ करना स्टार्ट करो, एक चीज़ का ध्यान रखो कि अपने फ़ोन में एक कैलकुलेटर खोल लो, ठीक है, और उसमें जब भी आपका तवाफ़ होगा पहला तवाफ़ तो एक लिखो, ठीक है, और उसके आगे जब दूसरा होगा तो उसके आगे ही एक के बाद दो लिखो, फिर दो के बाद तीन लिखो, ऐसे करते करते सात लिखना, सो दैट आपका जो आपके तवाफ़ की काउंटिंग है वो ख़राब ना हो, ओके। और तवाफ़ करने से पहले आपको इज्तबा करना होता है, इज्तबा मीन्स कंधा हराम से बाहर होता है, ओके। और इज्तबा के बाद रमल करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। मैं तो भूल गया रमल करना, बिकॉज पूरा मैं काबा को देख के मैं मतलब स्टन, ठीक है, मैं मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो फर्स्ट टाइम ऐसे ही होता है कि कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए मैं भूल गया था वो चीज़, बट मुझे बाद में याद आई, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रमल करना ज़रूरी है। बिकॉज़ हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सन हिजरी में 6 हिजरी में उमरा करने के लिए आए थे तो मकाम हुदैबिया में उन्हें रोक दिया गया था और उसका नाम सुलह हुदैबिया पड़ गया था। और उसके साथ साथ उन्होंने शर्त भी रखी थी कि जब नेक्स्ट ईयर उमरा करने आओगे तो वो 3 दिन के लिए होगा और उसके साथ साथ सिर्फ तलवार ही अपने साथ रख सकते हो और कोई हथियार साथ में नहीं रख सकते। तो इस वजह से उनका जो वो उमरा था वो रह गया था और नेक्स्ट ईयर उन्होंने उमरा कंप्लीट किया, उसको उमरतुल कज़ा कहते हैं। और जब सहाबा ने उमरा करने के लिए आए नेक्स्ट ईयर और सारे मुशरकीन मक्का बाहर चले गए थे, पहाड़ों पे बैठ गए थे ऊपर और उनको देख रहे थे उमरा करते हुए, और उन्होंने और वो मजाक उड़ा रहे थे हमारे सहाबाओं का, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सब उमरा कर रहे थे, मुशरकीन मक्का मजाक उड़ा रहे थे, और उसी टाइम पे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई और हमारे अल्लाह ताला ने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि सहाबाओं को कह दो कि सीना चौड़ा करके चले। और इसी चीज़ को रमल कहते हैं कि स्टार्ट के 3 चक्कर आपको सीना चौड़ा करके चलना होता है, जो मैं भूल गया, ठीक है, इसको कहते हैं रमल। इज्तबा ये होता है ये निकाल के, और रमल होता है आपको सीना चौड़ा करके चलना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ कंप्लीट हो चुका है और अभी हम जाने वाले हैं सफ़ा मरवा, एंड इंशाल्लाह विल गो। जैसे ही आपका तवाफ कंप्लीट होता है आपको 2 रकात नमाज पढ़नी होती है, और अगर हो सके तो काम इब्राहिम है उसके पीछे 2 रकात नमाज पढ़े, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है तो आप कहीं भी नमाज़ पढ़ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी चलिए चलते हैं, अभी सफ़ा मरवा पे जाके सही करना है हमें, ओके। सो सही इज़ द 4th अमल ऑफ उमरा। फर्स्ट अमल आपको अहराम पहनना है, नियत करनी है, 2nd अमल तवाफ़ करना है, 3rd अमल इज़ द सही, 4th इज़ द कसर और हल्क। चलो लेट्स गो टू सफ़ा मरवा, इंशाल्लाह आई विल कम बैक टुमारो। فإني علمت بأنك نجوى ولبس تو ہم سعی کی طرف جا رہے ہیں صفا مروہ، اور اس سے پہلے زمزم پئیں گے اینڈ دین سعی کی طرف جائیں گے۔ ہمارے 2 عمل کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 3rd عمل کرنا ہے۔ اگر میں نے کچھ بھی غلط بولا ہو، کچھ بھی غلط کیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो अभी थोड़ी देर पहले तो उसके लिए आप भी मुझे माफ़ करिएगा और मुझे ज़रूर सही करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ और मैंने जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए जो मुझे पता था वो मैंने बताया, और उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा मुझे भी बताइएगा अगर मैंने कुछ गलत किया है तो या कुछ गलत बोला है तो, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सफ़ा का सफ़र, अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ा सफ़ा वल मरवा हियर, माशाअल्लाह तबारकअल्लाह, अल्लाह का करम है भाई, कितने हाजी आए हुए हैं, अल्लाह सब की दुआएं कबूल करे, फलस्तीन के लोगों को मदद करे उनकी। بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح. ये जो लाइन है ये है माजूर लोगों के लिए,
और यहाँ से हम जाएंगे सीधा, फिर वहाँ से घूम के वापस आएंगे इधर से। यहाँ से जमजम पी रहे हैं ब्रदर, वन मोर रखने के बाद जमजम पीने की जो लज्जत है ना, दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। पीछे आप हुजूम देखो, अरे तुर्की भाई बहुत भाग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। रियली विश आप सब भी यहाँ पे आओ, जो भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं सब लोगों के लिए दुआ है वो सारे के सारे एक ना एक दिन अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह ज़रूर इस मुकद्दस जगह पे आएंगे इंशाल्लाह। सो गाइस दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ ग्रीन लाइट्स हैं, जब भी ग्रीन लाइट आती है आपको भागना है। वी हैव टू रन, यस ब्रदर रन, यू विल रन नाउ, ओके गो। सो ऐसे भागना होता है जब भी ग्रीन लाइट आती है, बट कुछ लोग चलते भी हैं, बट हमें भागना होता है। तो गाइस इसके बाद ये वाला हमारा लास्ट तवाफ है, तो ये लास्ट हमारा जो राउंड है और सेवेंथ राउंड, और फिर उसके बाद हम कसर कराने जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा लास्ट चक्कर है यहाँ पे, और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, मेरे लिए भी, मेरे घर वालों के लिए भी और फलस्तीन के लिए भी, तो आप भी दुआएं ज़रूर कीजिएगा, आपसे दरख्वास्त है। जमजम अगेन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये है सफ़ा और मरवा का जो पहाड़ है माशाल्लाह, यहाँ पे इन्होंने ये कांच के इसमें रखा हुआ है संभाल के एकदम, और आप ये देखिए यहाँ पे तवाफ़ होता है एक तरह से। दिस इज़ तवाफ राइट, दिस इज़ सही, अच्छा ओके ओके, दिस इज़ सही, सॉरी दिस इज़ सही, यहाँ से और वहाँ से, यहाँ से जाके ऐसे राउंड चक्कर मारना है, सही करना है, इसको सही बोलते हैं, सॉरी मेरी गलती है, इसको सही बोलते हैं, और जो काबा के इसमें करते हैं उसको तवाफ़ बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सही इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड, तवाफ़ इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारे उम्रा को कबूल करे, हमारी दुआओं को कबूल करे इंशाल्लाह। गाइज मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था हमारा होटल कौन सा है, तो हमारे भाई तुर्की भाई ने बताया कौन सा होटल है, विच वन। सो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये जो है ये वाला क्लॉक टावर के नीचे, ये हमारा होटल है माशाल्लाह तबारकअल्लाह माशाल्लाह, बहुत करीब, बहुत करीब, टू मिनट्स रास्ता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये है क्लॉक टावर माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बाहर आ चुके हैं हरम से, और रात के अभी 10:30 बज रहे हैं, और ये था हरम शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तबारकअल्लाह कितना ब्यूटीफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, चलो होटल जाते हैं अभी हमारे। तो सिर्फ एक जो अमल है वो बाकी है, वो है कटिंग, वो कटिंग करवा के हम अहराम की बंदिश से फ्री हो जाएंगे, एंड देन फिर जाएंगे डिनर करने इंशाल्लाह। अमल से फारिग होते हैं। A few moments later. तो उम्रा के जो लास्ट अहकाम है कसर या हल्क, उससे भी फारिग हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा उम्रा कभी कंप्लीट हो चुका है। आई रियली विश अल्लाह ताला हमारे उम्रा को कबूल करे, आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शावर लेते हैं और उसके बाद रेडी होके बाहर जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आप कसर करें, कसर मीन्स आपको पता होगा कि आपको हर जगह से बाल काटने होते हैं, हर जगह से, ठीक है, हर जगह से आपको बाल इतने कट कम करने होते हैं, इतने, ओके, इतने कम करने होते हैं अगर कसर करना है। कसर या हल्क, अगर हल्क करते हैं तो वो अफजल होता है, क्योंकि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दुआ किया जिसने हल्क किया, जिसने पूरा मुंडन किया, और जिसने कसर किया उसके लिए हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 बार दुआ की। तो आपके ऊपर है, आपको जो करना है आप करिए, दोनों जायज़ हैं।
और अभी हम जाएंगे खाना खाएंगे और उसके बाद मिलते हैं आपसे। जज़ाकअल्लाह खैर। अभी मैं और तुर्की भाई दोनों मिलके खाना खाने जा रहे हैं, बस बहुत भूख लग रही है। दोपहर से हमने कुछ नहीं खाया, नहीं नहीं हमने ट्रेन में खाया था थोड़ा सा स्नैक्स, अभी खाएंगे खाना। यहाँ पे भी अच्छा खाना मिलता है ब्रदर, क्लॉक टावर फोर्थ फ्लोर। मिस्टर तौसीफ भाई, हाँ हमारे तौसीफ भाई ने हमें कॉल करके भाई कम से कम 4-5 बार खाने के लिए कॉल कर लिया। उन्होंने बोला कि भाई कौन से होटल में जाना चाहिए, कौन सा होटल अच्छा है जहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, तो उन्होंने वही बताया हमें, तो वहीं जा रहे हैं हम। पूरी मार्केट है भाई यहाँ पे, जो चाहिए वो मिलेगा माशाल्लाह। वापस होटल के बाहर आ चुके हैं, अभी यहाँ से जाएंगे क्लॉक टावर। क्लॉक टावर हमारे पीछे ही है यहाँ पे, सो बट नीचे से जाना पड़ेगा आई थिंक। हाँ अच्छा, यहाँ से जाना पड़ेगा क्लॉक टावर के लिए। ये क्लॉक टावर है, इसकी एंट्रेंस देखते हैं कहाँ पे। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ क्लॉक टावर, ये एंट्रेंस है क्लॉक टावर की इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमें जाना है फोर्थ फ्लोर पे, फूड कोर्ट पे। तौसीफ भाई ने बोला है फूड कोर्ट फोर्थ फ्लोर पे है, तो वहीं पे जाएंगे इंशाल्लाह। बिजी मक्का, वेरी बिजी। सो जहाँ पे भीड़ होती है ना, भीड़ को मेरा भाई बोलता है बिजी, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला बिजी। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, दिस इज़ द क्लॉक टावर गाइस, देखिए। सो फाइनली ये होटल मिला है जहाँ पे रोटी पानी खा सकता है बंदा, नहीं तो बाकी सब जगह तो सिर्फ फास्ट फूड ही है। तो यहाँ पर हम रोटी खाएँगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बुफे है आई थिंक, दिस इज द बुफे राइट ब्रदर, सो वी कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट टू ईट। बिरयानी, राइस, छोले, मटन, मुर्गा, ग्रिल्ड फिश, दिस इज अगेन मुर्गा, ओह माय गॉड, ओके, मिक्स ग्रिल, ओके ग्रिल, दिस इज चिप्स, लो जी हमारी थाली सज चुकी है, भूख बहुत लगी है, भाई की भी थाली सज चुकी है माशाल्लाह तबारकअल्लाह। क्लॉक टावर में अल्लाह के घर के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यस ब्रदर, लेट्स गो, खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। फ्यू मिनट्स लेटर, लो जी फाइनली खाना हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी आर ओके, नाउ वी आर फाइन, नहीं तो रोलिंग हो रही थी हमारी, चक्कर आ रहे थे हमें, बट अभी सेट है मामला, अभी जाके सो जाएंगे और सुबह फजर में उठ के जाएंगे नमाज के लिए इंशाल्लाह। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अभी थोड़ी नींद ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तो नींद होने के बाद सुबह फजर में उठने के बाद मिलते हैं आपसे। जज़ाकअल्लाह खैर।